हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो नए से आए हो तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आता है उसे प्रेस कीजिए। बाद में बेल बटन आता है उसको भी प्रेस कीजिए। बेल बटन प्रेस करने से ही मैं जब भी कोई नया वीडियो रखती हूँ तो आप तक आ जाता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। आज का वीडियो है अमेजिंग वीडियो है फ्रेंड्स, आप जरूर ये दो वाले ट्राई करो ना। आज पहले देखते हैं हम ऑयल देखते हैं। ये ऑयल हमारे हेयर को लॉन्ग करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मार्केट जाइए, उसमें नीम ऑयल मिलता है आपको, कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है, शायद फैंसी में भी मिलता है, या नहीं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। हम जो बनाते हैं ना घर में, वो नीम ऑयल तो ग्रीन कलर में आता है, लेकिन ये जो मार्केट से लेकर आते हैं ना, ये वाला थोड़ा कॉफ़ी कलर में होता है, लेकिन अमेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है। आपके हेयर को लॉन्ग करना चाहते हो तो इस ऑयल को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये ऑयल आपको डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है, वीक में एक बार लगाना है जी, आप डेली लगाने की काम नहीं है इसको, वीक में एक बार लगाना है या नहीं तो 15 डेज में एक बार लगाना है। रात भर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए आपके पूरे हेयर पे, और नेक्स्ट डे आपको हेड बाथ करना है। ऐसे ही आपको वीक में वंस या नहीं तो 15 डेज में एक बार, महीने में दो बार आराम से कर सकते हो। आपको दिखा देती हूँ ऑयल दिखने में कैसे दिखता है जी। ये ऑयल आपका हेयर पे जो भी पतलापन है, गंजापन है, उसे हटाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और जो भी आपके बाल उड़ गए हैं वो भी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, उतना अमेजिंग से काम करता है ये ऑयल। यह ऑयल दिखने में तो अच्छा ही दिख रहा है ना, लेकिन इसकी खुशबू तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। यह ऑयल आपका हेयर फॉल को भी रोक देता है, जो भी हेयर फॉल होके सारे बाल चले गए हैं वो सारे बाल फिर से आने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करता है, बहुत ही अमेजिंग से काम करता है फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई कीजिए। इसका खुशबू तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप रात भर इसे लगा के नाइट पूरा ऐसे ही छोड़ दीजिए हेयर पे, बाद में इसे हेड बाथ कर लीजिए। अगर आपको इसका खुशबू अच्छा नहीं लगता हो तो आप कोई भी एसेंशियल ऑयल मिला सकते हो, जैसे लैवेंडर और टी ट्री ऑयल, कोई भी ऑयल मिला के यूज़ कर सकते हो, या नहीं तो थोड़ा कपूर डाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। इस ऑयल को स्किन पर भी लगा सकते हो, जो भी एक्ने है ना वो जाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। आप इसको डायरेक्ट लगाने से क्रीम बना के भी यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में आपको क्रीम भी कैसे बनाना है ये भी दिखा देती हूँ। ये ऑयल तो आप जरूर मंगवाइए, ट्राई कीजिए, आपका हेयर बढ़ने लगता है, बहुत ही लॉन्ग होता है, स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, जो भी स्कैल्प पे इचिंग है, इन्फेक्शन है, वो जाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये 100 ml 60 रुपीज में आया है मुझे। ये हमारे हेयर को एक कंडीशनर जैसे काम करता है, और जुवे होते हैं ना, जुम होते हैं ना बालों में, वो भी निकल जाने के लिए काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से करता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके हेयर पे स्कैल्प पे जो भी इन्फेक्शन है उसे निकालने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, जो भी इचिंगनेस है वो भी निकालने में बहुत ही अच्छा काम करता है। एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, हेयर को रीग्रोथ होने के लिए, हेयर ग्रोथ होने के लिए एंकरेज करता है। अब इसके साथ साथ हम क्रीम भी बनाना देखते हैं। क्रीम बनाने के लिए भी हमको चाहिए यही नीम का ऑयल और रोज वाटर, तीन ही चीज़ें हैं, और एलोवेरा जेल। मार्केट वाला एलोवेरा जेल है ये, नॉर्मल एलोवेरा जेल आपको स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वाला एलोवेरा जेल लेके हम क्रीम बनाते हैं। ये एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है, आप अमेजन में ट्राई कर सकते हो। मैं तो पहले से एक बाउल ली थी और उसमें डाल रही हूँ एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून। आप थोड़ा बना लीजिए, यूज़ कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हो। ये एलोवेरा जेल ऑफ के जी आपको 230 में, जी हाँ 230 में ही आ जाता है, बहुत ही कम दाम है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी आ जाता है आपको, आप चाहे तो मंगवा के ट्राई कर सकते हो। एलोवेरा आपको पता है एक मॉइस्चराइजर जैसे काम करता है, स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं उसे निकालने में बहुत ही अच्छा काम करता है, स्किन पे रिंकल्स को भी निकाल देता है। अब इसमें हम डालते हैं नीम ऑयल, हम 1 टेबलस्पून लिए थे ना एलोवेरा जेल, और उसमें हम डालते हैं 1/2 टेबलस्पून नीम ऑयल और 1/2 टेबलस्पून रोज वाटर। आप चाहे तो थोड़ा
सीरम जैसे बनाना चाहते हो तो और भी थोड़ा रोज वाटर डाल सकते हो। एक तीन चीजें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आपका अमेजिंग क्रीम रेडी हो जाता है। ये वाला रोज वाटर ही नहीं फ्रेंड्स, आपके पास जो रोज वाटर है वो ही डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तीन इंग्रेडिएंट्स है, अमेजिंग से काम करते हैं ये क्रीम ना फ्रेंड्स। आपके फेस पे जो भी एक्ने है उसे क्लियर करता है, रिंकल्स को भी हटा देता है, स्किन को इवन टोन बना देता है और एक एंटी एजिंग जैसे काम करता है। अब इन तीन चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको मार्केट वाला क्रीम जैसे ही रेडी हो जाता है। अगर आप इस क्रीम को बना को एक अच्छे से डब्बे में डाल को आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स को किसी को भी देते हो तो वो लोग मान जाते हैं ये मार्केट वाला क्रीम है जी। वो इतना अच्छा रेडी हो जाता है, मार्केट वाले क्रीम से कुछ भी कम नहीं है, बहुत ही अच्छा काम करता है। स्किन पे जो भी इलास्टिसिटी होता है ना उसे मेंटेन रखता है, जो भी फेस पे एक्ने है उसे निकालने के लिए काम करता है, एंटी एजिंग जैसे काम करता है, स्किन पे रिंकल्स निकालता है और डार्क स्पॉट्स भी निकाल देता है। जी हाँ, नीम और एलोवेरा डार्क स्पॉट्स निकालने में बहुत ही अच्छा काम करता है, ब्लेमिशेस निकाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करते 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 आपको अच्छे से क्रीम बन जाता है, बहुत ही अच्छा होता है ये क्रीम। यही क्रीम आपको मार्केट में 1000 रुपीज बोले तो भी हाँ जी ये तो 1000 रुपीज क्रीम है, हमको अच्छे से काम करेगा, बहुत सारे अच्छे चीजें डाले हैं इसमें इसलिए 1000 रुपीज है तो ये अच्छे से काम करेगा बोल के हम तो यूज कर लेते हैं। लेकिन नेचुरल तरीके से हम उतना ही अच्छा, उससे भी अच्छा, क्योंकि सारे हम क्या क्या डाले हैं, कोई केमिकल्स नहीं डाले हैं इसमें, आराम से यूज कर सकते हो इस क्रीम को ना फ्रेंड्स। बना के आप आराम से 10 to 15 डेज स्टोर कर सकते हो, आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हो। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, मार्केट वाला क्रीम जैसा ही सफेद कलर में आता है, थोड़ा लाइट कलर वाला सफेद ऑफ वाइट कलर में आ जाता है, बहुत ही अच्छा होता है ये क्रीम। आपको लगाते ही बहुत ही सॉफ्ट लगता है, आपका स्किन ग्लो करने लगता है। अगर आप ये डेली नाइट पे अप्लाई करके मॉर्निंग ही आपका चेहरा साफ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है, आपकी स्किन पे जो भी फाइन लाइंस है उसे निकाल देता है, एक्ने स्कार्स है उसे क्लियर कर देता है, एक्ने को निकाल देता है, स्किन पे जो भी दाग धब्बे है उसे हटाने के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। क्रीम तो ना फ्रेंड्स अमेजिंग से बनके रेडी होता है, आपको मार्केट वाला क्रीम जैसे ही लगता है उतना अच्छा क्रीमी व्हाइट कलर में आ जाता है। आपको अच्छे से दिखाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, आपको दिख रहा है ना कितना अच्छा है। आप ये खूबसूरत सा छोटा सा डब्बे में डाल के आप स्टोर कर सकते हो, जैसे मार्केट वाला क्रीम जैसे ही होता है और काम भी ऐसे ही करने लगता है, बहुत ही अच्छा होता है, इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ा डाउट हो तो आप पहले से रोज वाटर स्प्रे कीजिए, बाद में आप इस क्रीम को अप्लाई कीजिए, थोड़ा मात्रा में अप्लाई कीजिए। मेरा ऑयल स्किन है, मैं भी ट्राई करी थी इस क्रीम को, बहुत ही अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ऑयल स्किन को भी। ये बहुत ही कम दाम में रेडी हो जाता है, बहुत ही अच्छा है। हम जो भी डाले हैं, नीम ऑयल डाले हैं, एलोवेरा डाले हैं और रोज वाटर डाले हैं, ये तीन ही स्किन को अमेजिंग से निखारते हैं, जो भी ब्लेमिशेस है उसे निकालने के लिए भी हेल्प करते हैं। क्रीम तो ना दिखने में बहुत ही अच्छा होता है, मार्केट वाला क्रीम जैसे अपने हाथों से बनाया हुआ ये मार्केट वाला क्रीम जैसा, आप भी बना के ट्राई कीजिए, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा, स्किन भी इवन होगी, जो भी दाग धब्बे है, अनइवन स्किन टोन है वो सारे चल जाता है, बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको थोड़ा मात्रा में आप बना के ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़्यादा मात्रा में भी बनाकर यूज कर सकते हो। इसे रूम टेम्परेचर में भी आप स्टोर करके रख सकते हो 10 to 15 डेज, या नहीं तो फ्रिज में भी रख के यूज कर सकते हो। अगर आप फ्रिज में रख के यूज करते हो तो वो तो क्रीम बहुत ही ठंडा होता है, आपका स्किन रिलैक्स होता है और जल्दी से असर भी दिखने लगता है, इसलिए फ्रिज में भी रख के यूज कर सकते हो। मैं तो फ्रिज में ही रहूंगी, ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। आप जो भी यूज करते हो ना रोज वाटर, वो भी फ्रिज में रखे यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा असर मिलता है आपको। नीम ऑयल को आप ऑयल तरह से हेयर पे अप्लाई कीजिए और उस ऑयल को यूज करके आप क्रीम बना के इस तरह से यूज कीजिए, बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट्स आते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, आपको पसंद आएगा जरूर ये वाला ऑयल और ये वाला क्रीम। इस एलोवेरा का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी, अमेजॉन में आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए,
वो वाला नीम ऑयल है ना, मैं तो लोकल ही लोकल शॉप में ही ली थी। और रोज़ वाटर आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये वाला क्रीम, ये वाला ऑयल आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा होता है। हेयर रीग्रोथ करता है, हेयर फॉल को रोकता है। हेयर लंबे होना चाहते हो तो वीकली वंस या नहीं तो 15 डेज एक बार आप ये वाला ऑयल यूज़ कीजिए। और आपके फेस पर ब्लेमिशेस है, एक्ने है, तो ये वाला क्रीम बना के यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा काम करता है और बनाना भी इजी है। और इसमें तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं आपको। नीम ऑयल जो भी फेस पे दाग धब्बे है उसे निकालने में काम करता है। एलोवेरा भी ऐसे ही काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मेडिसिन प्रॉपर्टीज होते हैं, एक मेडिसिन जैसे काम करता है। आप सोच रहे होंगे हेयर तो लंबे करता है ना, इसलिए फेस पे लगाने से फेस पे हेयर भी बढ़ते हैं शायद। ये सब बिल्कुल नहीं है। जो भी फेस पे हेयर बढ़ते हैं ना, वो इनर प्रॉब्लम की वजह से बढ़ते हैं। फेस के हेयर अलग है, हेड पे के हेयर अलग है। आप डरिए मत, आराम से यूज़ कर सकते हो। इस ऑयल को और इस क्रीम को ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स आपको। यह है फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।